हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर जो होता है उसमें फील्ड की जो दो भागों में विभक्त कर भाग को एक आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और दूसरे को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अर्थात कंपाउंड जनरेटर जो होता है उसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होती है और शंट फील्ड वाइंडिंग भी होती है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। याद रखना, इस कंपाउंड जनरेटर के अंदर जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो पतले तार अधिक टर्न्स की बनाई जाती है, जिससे कि वह आर्मेचर द्वारा उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल को सहन कर सके। और जो सीरीज फील्ड की वाइंडिंग होती है वो मोटे तार से और कम लपेटों की बनाई जाती है, यानी कम टर्न्स की बनाई जाती है, जिससे कि वह पूर्ण आर्मेचर विद्युत धारा वहन कर सके। जनित्र के प्रत्येक पोल पर पहले शंट फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है, उसके ऊपर अचालक आवरण चढ़ाकर यानी इंसुलेटेड कोई परत चढ़ाकर सीरीज फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो कंपाउंड जनित्र में सीरीज तथा शंट दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसकी वाइंडिंग को निम्न दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र, तो अभी हम आपको डायग्राम दिखाएंगे इसका। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें वही है, एक फील्ड वाइंडिंग तो हमारी जो होगी वो शंट फील्ड होगी, ये शंट फील्ड वाइंडिंग इसमें दिख रही है और ये हमारी है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो स्टूडेंट, दो इसमें आपने वाइंडिंग देखी, एक तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। इसमें यहाँ पर एक वेरिएबल रियोस्टेट लगा हुआ है और ये हमारा आर्मेचर है। तो ये एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इसमें यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है। तो जब शंट फील्ड को केवल आर्मेचर के समानांतर क्रम में संयोजित किया जाए, जब शंट फील्ड के केवल आर्मेचर के समानांतर में संयोजित किया जाए तो वह जनित्र शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र कहलाता है। इससे आउटपुट वोल्टेज नियंत्रक रियोस्टेट को शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में संयोजित करके और सीरीज फील्ड को लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित करके किया जाता है। अभी देखिए, आप इसमें और उसमें अंतर समझ पाएंगे एक डायग्राम के माध्यम से। अभी मैं आपको दूसरा वाला भी दिखाता हूँ, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है उसके डायग्राम्स इस तरीके से हैं और इसमें इस कनेक्शन का थोड़ा सा अंतर है। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो ये हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है स्टूडेंट। इसमें भी एक श्रेणी क्रम और एक ये देखिए, ये शंट फील्ड है और ये श्रेणी क्रम है। यहाँ पर इतना फर्क है कि जो शंट फील्ड है उससे मेन कनेक्टिविटी नहीं थी वेरिएबल के रेजिस्टेंस के थ्रू शॉर्ट सर्किट में कंपाउंड जनरेटर में था, लेकिन यहाँ पर जो आर्मेचर है उसके प्रॉपर सीरीज में देकर सीरीज फील्ड को और लोड की तरफ दिया गया है और शंट फील्ड को भी उससे जोड़ा गया है, यानी कॉमन बनाया गया है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इसकी दिशा बदली गई है, यहाँ से इसकी दिशा बदली गई है। तो ये लॉन्ग शंट कहलाएगा क्योंकि इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होने के बाद शंट फील्ड वाइंडिंग तक आर्मेचर का कनेक्शन पहुंचता है, तो इसलिए लॉन्ग शंट कहलाता है। और यहाँ से सीधा पहले शंट फील्ड से होकर बाद में सीरीज फील्ड चलता है, तो इसलिए ये सीरीज फील्ड कहलाता है। तो अब इसमें लॉन्ग शंट में और शॉर्ट शंट में आपने ये देख लिया, यही फ़र्क है। बाकी लोड लगा हुआ है, ये साइड में लोड है, आर्मेचर है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये टीपीआईसी स्विच है और ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये रियोस्टेट है। तो इस प्रकार कनेक्शन है, पैरेलल वाइंडिंग में शंट फील्ड जुड़ा हुआ है, सीरीज फील्ड जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट, इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं।